तो बेसिकली आज हम बात करेंगे पिवट टेबल ऑटोमेशन के बारे में। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें मल्टीपल पिवट टेबल क्रिएट होगी और मल्टीपल फाइल में सेव होगी, ठीक है। तो आज भी रिपोर्ट ऑटोमेशन की क्लास में इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ऑफिस में हम किस तरह का काम करेंगे जिससे हमें बेनिफिट होगा। हालांकि ये जो डमी डेटा पे मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल रिपोर्ट थोड़ा सा अलग था, बट एक डमी डेटा पे हम आपको ये चीज बताने जा रहे हैं। तो मेरे पास जो मेरा काम है उस चीज को जान लीजिए कि मेरे पास एक फाइल है जो आपके सामने दिख रही है। एक फाइल है हमारे पास जिसमें पूरा मंथली रिपोर्ट है, मंथली सेल्स है हमारा। अब मुझे इसको 12 अलग अलग रिपोर्ट बनानी है, हमारे सेल्स पर्सन के ऊपर हर महीने का अलग अलग रिपोर्ट, 12 अलग अलग रिपोर्ट बनानी है। तो जनरली इसके लिए हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं कि पिवट टेबल यूज करते हैं एंड ओके। फिर मैंने नेम को यहाँ पे रख दिया और जनवरी को यहाँ पे रख दिया। फिर इसके ऊपर हमने एक चार्ट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर चार्ट की जो डिजाइन है वो हमने डिजाइन को चेंज कर दिया, राइट सर जी? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। इसको हम राइट क्लिक करके मूव करेंगे, एक नया फाइल जनरेट करेंगे, उसका नाम जैन डालेंगे, देन फायर, देन मार्च, देन अप्रैल, इसी तरह से कंटिन्यूअस चलेगा। समझ में आ गया जी? आप करना क्या है मोहिनी जी, समझ में आया आपको? अतीश जी समझ में आया? यस सर। तो चलिए करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा लंबी कोडिंग होगी, तो एक बार रिकॉर्डिंग को भी हम यूज कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग कई स्टेज में होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ हम रिकॉर्डिंग हम यहाँ से रिकॉर्डिंग थ्रू कर दिया है मैक्रो। इसमें आप पिवट के कोड को भी समझेंगे। पिवट टेबल लगाया, लगाने के बाद मैंने नेम को एक मिनट मैंने नेम को रखा अपने इस रो में, राइट। फिर मैंने जनवरी को यहां रखा। फिर इसके ऊपर हमने इंसर्ट किए एक चार्ट, चार्ट का पोजीशन चेंज किया, मूव किया, और यहां हमने डिजाइन में जाके इसकी हमने डिजाइन में चेंज कर दी। फिर इसका नाम मैंने रखा जैन, ओके। और उस जैन को राइट क्लिक किया, मूव एंड कॉपी, मूव कर दिया एक नई फाइल में, और उस फाइल का नाम हमने रखा यहां पे jan.xlsx, और एक अलग फाइल में, एक अलग लोकेशन में, मैं मोर लोकेशन चूज कर लेता हूं। जी ड्राइव में चला जाता हूँ, 2020 में कर देता हूँ, ठीक है जी। और हमने फाइल को क्लोज किया और यहाँ पे स्टॉप किया माइक्रो को। अब चलिए इस माइक्रो को हम समझते हैं कोड को और कोड में एडिट करते हैं। तो मॉड्यूल्स में आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे सीट डॉट एड हुआ है, हुआ ना सर जी। फिर एक्टिव वर्क, अब यहाँ पे पिवट को समझिए। देखिए पिवट के अंदर जब हम लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सीड को ऐड करता है। क्या करता है? सीड को ऐड करता है। तो यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट के क्रिएट सोर्स का एक्सेल डेटाबेस है, और सोर्स डेटा ये आपका लोकेशन हो गया, हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे आता है वर्जन, क्रिएट पिवट टेबल, पिवट टेबल का डेस्टिनेशन सीड 4 यहाँ हो गया, और पिवट टेबल का नाम आप यहां देख रहे हैं कि पिवट टेबल नेम भी आ गया। अब इसमें जब मल्टीपल पिवट टेबल बनाएंगे तो दो चीजें हो सकती है प्रॉब्लम। पहला आपका सीट का नेम, कि हर बार सीट 4 इंसर्ट नहीं होगा जी। दूसरा क्या था? पिवट टेबल 2, एक नाम के दो पिवट नहीं लगेंगे एक फाइल में। समझ गया जी? क्लियर है? हाँ सर। इसलिए तो पहले इसको ऑटोमेट करते हैं। देखिए सीड ऐड हो जाने के कारण, जो सीड आप देख रहे हैं यहां जो ऐड हो गया है, ये ऐड हो जाने के कारण
ये एक्टिव वर्कबुक में आपका दिक्कत होगा। तो सीट ऐड डॉट नेम जो है हम कर देते हैं नेम। अब इसको लूप के अंदर डालना है पहले, तो क्योंकि मुझे 12 बनाना है ना, क्या सर? जी सर, 12 बनाना है। तो सबसे पहले तो हम शीट डेटा शीट पे आएंगे, डेटा शीट डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, ओके। और यहां लूप देते हैं कि 4i इक्वल टू चले 2 to 13, ये जो आ रहा है, क्योंकि हेडिंग हो सकता है फरवरी की जगह पे कुछ भी और भी हो और ज्यादा भी हो, तो इसको भी ऑटोमेट हम कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको 13 कर देता हूं, मैं इसको थोड़ी देर ऑटोमेट कर दूंगा। तो ये 2 टू 13 क्यों डाल रहे हैं सर? तो 1 टू 12 डालना चाहिए ना। 1 से इसलिए डाला क्योंकि 1 पे हमारा नाम है ना, हमें कॉलम अकॉर्डिंग चलना है ना सर। ठीक है ठीक है, 1 डाल लेंगे तो फिर मुझे अपने जब आई के साथ जब कंबाइन करूंगा तो मुझे +1 या -1 करना पड़ जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे डॉट नेम, और नेम इक्वल टू हमने बोला कि शीट, शीट में हमने बोला डेटा, डेटा डॉट सेल्स, सेल्स में रो नंबर 16 है और कॉल नंबर आई डॉट वैल्यू। या इसके लिए आप एक वेरिएबल डिफाइन यहां कर सकते हैं कि डीम डीम सीट नेम SN एज ए हम स्ट्रिंग कर देते हैं, फिर थोड़ा सा आसानी होगी ना सर। अच्छा सर, मुझे ये भी पूछना है, डीम होता क्या है, स्ट्रिंग होता क्या है? मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मैथमेटिक्स यूज करते हैं, जमाना मैथमेटिक्स पढ़ा था आपने सर, पढ़ाई होगा, उसमें हम लेते हैं एक्स वाई जेड लेते हैं। हाँ हाँ, वो एक्स वाई जेड होता क्या है सर? एक नॉर्मल वैल्यू होती है जो अभी तक का फाइंड आउट, तो हम लोग वेरिएबल बोलते हैं जी। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से जी। तो यहाँ पे हमने डिम मतलब कि डायमेंशन, हार्ड डिस्क के डायमेंशन में ऐसे नाम का एक वेरिएबल मतलब कि टेम्परेरी सेविंग लोकेशन क्रिएट होगा जो कि स्ट्रिंग मतलब कि टेक्स्ट डेटा टाइप को कैरी करेगा। सर ये स्ट्रिंग का आपने क्या बोले, स्ट्रिंग को टेक्स्ट टेक्स्ट एबीसीडी, सॉरी मैं समझा नहीं, एबीसीडी टेक्स्ट। अच्छा टेक्स्ट, ठीक है। तो सीट नेम को मैंने यहाँ पे होल्ड करा दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट नेम को मुझे कई जगह यूज करना है, जैसे यहां भी यूज करना है, यहां भी यूज करना है ना सर। हाँ सर। अब यहाँ पे आते हैं डेस्टिनेशन, यहाँ पे आता है सोर्स। अब सोर्स में यहां आपको दिख रहा है सोर्स इक्वल टू दिया हुआ है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं सीट, सीट में ए वन डॉट, शीट में A1 तो नहीं होगा, शीट में तो डेटा होगा ना, सॉरी डेटा डॉट रेंज A1 डॉट क्या देंगे सर? कल क्या सिखाया था आपको मोमिन जी? करंट रीजन। जी हाँ, करंट रीजन डॉट सेलेक्ट, नहीं सेलेक्ट नहीं होगा, देना है ना कि ये ऑब्जेक्ट ए है। और यहाँ सीट फोर में हम यहाँ पे करेंगे सीट, सीट में देंगे हम SN डॉट रेंज A1, ओके। अब पिवट टेबल का नाम भी मैं कर देता हूँ SN, क्योंकि हर बार नाम चेंज होगा ना, अब इसलिए SN कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंड करता हूँ, ठीक है सर? ये वर्जन क्या? हेलो सर, ये वर्जन क्या? वर्जन वर्जन होता है वो आपका जो एप्लीकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो वो वर्जन अगर से हम लोग मैन्युअली ये कोड लिख रहे हैं तो उसके लिए वर्जन क्या लिखना पड़ेगा, लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा? वर्जन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा वर्जन, जैसे कि 2007 है, 3 में 1, 2 में 2, 3 में 1, 95 में 1 है, 3 में 2 है, 7 में 4 है, 10 में 7 में 3 आई थिंक, 10 में 4 है। ठीक है सर, कुछ पूछना था, जैसे आपने सोर्स डेटा में शीट डेटा लिख दी, शीट आउट रेंज ए करंट रीजन, यानी कि सोर्स डेटा मुझे डेटा कहाँ से लेना है, डेटा की डेटा नाम की शीट पे जाओ, वहां पर A1 पे रखो कंट्रोल और कंट्रोल ए कर दो करंट रीजन। मैं अभी इसको टेस्ट कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाइए जी।
आपके सारा सवाल का जवाब मैं दूंगा, पर 2 मिनट दूर जाइए मुझे, ठीक है? मुझे इसको एक बार टेस्ट करने दीजिए, ठीक है ना? हमने आई इक्वल टू 2 करके हमने टेस्ट करने दीजिए इसका, इसको कि ये क्रिएट करता है कि नहीं करता है। या इसने एक नया सीट ऐड किया और पिवट टेबल क्रिएट कर दिया जैन नाम का, क्लियर है? मैं इस पर इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं आपको कोड समझाता हूं, कोड समझिए। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया ताकि मैं सीट नेम को होल्ड कर सकूं, क्योंकि मेरे पास 12-15 सीट है, तो 12-15 सीट को मुझे हैंडल करना है, इसलिए हमने यहां पे लिया ताकि सीट नेम स्टोर हो जाए। उसके बाद मैंने यहां पर फोर लूप लगाया। फोर लूप में मैंने यहां पे बोला कि 2 से 13 तक चले, जितना कॉलम है उतना चले, 13 को मैं आके डायनेमिक कर दूंगा। फिर डेटा शीट पे जाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई पहले रो का, पहले आई कॉलम का जो वैल्यू है एसएन पे स्टोर हो जाए। फिर हमने बोला सीट डॉट एड डॉट नेम इक्वल टू एसएन, एक एसएन नाम का सीट, एसएन में जो वैल्यू स्टोर है उस नाम का सीट क्रिएट करो। फिर हमने बोला कि एक्टिव सी पिवट टेबल क्या है, सोर्स डेटा, डेटा सोर्स है, और हमने हमें ये नहीं पता था कि डेटा कितना है, क्योंकि कल के डेट में बढ़ सकता है, घट सकता है ना, तो हमने सीधे बोल दिया कि आप डेटा शीट पे जाइए, A1 पे कर्सर रखिए, कंट्रोल A कर दीजिए, मतलब कि करेंट रीजन कर दीजिए और इस पे पिवट लगा दीजिए। और पिवट लगाना कहाँ पे है, तो हमने बोला अभी जो हमने सीट ऐड किया है उस सीट के A1 पे लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पे एसएन किया है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने शीट डॉट ऐड लेके उसको नेम एसएन दे दी, हम लोग पिवट डालते तो पिवट तो ऑटोमेटिकली शीट के करते उसको, तो उसको ये कॉल पिवट ऑटोमेटिक लेता जब पिवट बनाते हैं तब ना, बट वीवी के जरिए जाते हैं तो आपने देखा है ना, इससे पहले जब मैं रिकॉर्डिंग मैं को खोला तो वहां पे ऊपर सीट डॉट ऐड था, समझ गए? हाँ जी। तो पिवट टेबल का ऑप्शन सीट क्रिएट कर लेता है, लेकिन हम पिवट टेबल जब बीवी के जरिए कॉल करेंगे तो यहाँ पर सीट ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा, बताना पड़ेगा। वो तो ऑटोमेटिक डेटा भी ले लेता है, बट यहाँ तो ऑटोमेटिक डेटा नहीं ले रहा ना, मुझे देना पड़ रहा है ना सर। अच्छा, अब यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीट 4 डॉट सिलेक्ट है, दिख रहा है आपको? लेकिन यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे SN होगा, SN डॉट सिलेक्ट। हालांकि SN ऑलरेडी है ही हमारा, फिर भी मैं SN डॉट सिलेक्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे ये सब हटा देता हूँ। यहाँ पे आता है पिवट टेबल। हाँ, अब यहाँ पे पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग वगैरह है तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा सकते, ये डिफॉल्ट हो जाता है। आता है बिच एक्टिव पिवट टेबल। अब यहाँ पे दिखा आपको पिवट टेबल का नेम पिवट टेबल 2 है जी, बट मैंने नाम क्या दिया हुआ है SN, इसलिए मैंने यहाँ पे पिवट टेबल का नाम डायनेमिक किया, क्योंकि नीचे पिवट टेबल के नेम से जो होना है वो होगा जी। यहाँ पर रिफ्रेश ऑप्शन ए आइटम वगैरह है, इसको हटा दीजिए, अभी नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। रिफ्रेश फाइल विंडो ओपन वगैरह है, सब ले लिया इसने। फिर यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट पिवट टेबल, पिवट टेबल नेम, रिपीट ऑल आइटम लेबल, ये भी हटा दीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ आता है एक्टिव सीट डॉट पिवट टेबल, पिवट टेबल 2, पिवट टेबल फील्ड नेम, इसको रो फील्ड में रखा गया है, मतलब कि हमने अभी जो पिवट टेबल लगाया, अभी कहां पर हम है, अभी हम पिवट टेबल लगा चुके, सॉरी माफ कीजिएगा, अभी हम पिवट टेबल यहां से इंसर्ट कर चुके हैं। पिवट टेबल अभी क्या हुआ है, जस्ट पिवट टेबल इंसर्ट हुआ है। अब ए जो लाइन दिख रहा है आपको, ए क्या करेगा कि जो नेम है इस नेम को उठा के रो में रखेगा। यहां पे देखिए विथ एक्टिव पिवट टेबल, एक्टिव सीट डॉट पिवट टेबल, और यहां पे पिवट टेबल का नाम है जो कि मैंने एसएन दे रखा है, एसएन डॉट पिवट फील्ड, कौन सा फील्ड, तो नेम। अब यहां पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है कि जरूरी थोड़ी है कि यहां पे फील्ड का नाम नेम ही होगा, कुछ भी तो हो सकता है क्या? कल के डेट में किसी ने अगर इस यहाँ से नेम को चेंज कर दिया कुछ और, तो दिक्कत हो जाएगी सर ना? जी सर जी। तो उस केस में मैं यहाँ डेटा सीट की वैल्यू पिक कर लेता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहां लिखूंगा रेंज A1 डॉट वैल्यू, बट कौन सा A1,
सर वो शीट के तो डालना पड़ेगा ना, कौन सी शीट जी हाँ, शीट का नाम यहाँ डालना पड़ेगा, डेटा, डेटा सीट डॉट ए वन डॉट वैल्यू। इस सीट को ओरिएंटेशन रो फिल मिला को पहली पोजीशन में दो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज क्या आती है कि पिवट टेबल यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, चेंज एसएम करना पड़ेगा इसकी, जो करने एड डेटा फील्ड, क्योंकि तो यहाँ पे देखिए क्या था, रो फील्ड था, रो फील्ड है ना, जी एक्सेल डॉट रो फील्ड, यहाँ पे फील्ड पिवट फील्ड आ रहा है ना, हाँ और रो फील्ड यहाँ पे हम डिसाइड किया हुआ है। बट जब आप कोई डेटा में डालते हैं, मतलब कि आप पिवट टेबल को यहाँ इसके अंदर डालते हैं वैल्यू फील्ड में, तो हो जी जाता है आपका डेटा फील्ड। तो पिवट एक्टिविटी डॉट पिवट टेबल एसएन, सॉरी यहाँ पे, हाँ डॉट डेटा फील्ड एक्टिव सीट पिवट टेबल, और यहाँ पे दो बार नाम है तो आपको दो बार नाम चेंज करना पड़ेगा, एस एन डॉट पिवट फील्ड जैन, जैन को रखना है। अब यहाँ जो तो जैन है ए बी सिक्स नहीं है इसको भी डायनेमिक करना पड़ेगा ना सर। जी हाँ, तो इसको डायनेमिक कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया है, समझे, क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है। ये जो ए वन तो फिक्स था हमारा, बट हाँ ये जैन हर बार चेंज हो रहा है, हाँ जैन हर बार चेंज हो रहा ठीक है। तो यहां पे हमने आई कर दिया, वन डॉट वैल्यू आई कर दिया। अब सम ऑफ द जैन दिख रहा है आपको यहां पे, तो है जी। यहां भी कॉनकेटेनेट करना पड़ेगा हमें, और क्या करना है, एक्सेल सम करना है। तो यहां हमारा पिवट टेबल कंप्लीट हो गया, ओके। जी अब यहां पे आता है एक्टिव सीट डॉट सेव डॉट चार्ट, ऐड किया। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो चार्ट हमने जो चार्ट ऐड किया है उसका सोर्स सीट फोर का A3 से दिख रहा है सर, A3 जी A3 से B16 है, तो आप जो है सोर्स वगैरह हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसमें हटा के देखता हूं। और इसमें हम देते हैं रेंज A3 डॉट सेलेक्ट, यहां पे कर्सर होगा तो यहां पे इंसर्ट होगा, या फिर मैं एक काम और करता हूं, जैसे कि मैंने जैन रख दिया, मैं रिकॉर्डिंग मैक्रो करके देखता हूं, सॉरी रिकॉर्डिंग मैक्रो करके देखता हूं कि पिवट चार्ट का क्या ऑप्शन है। तो अगर मैं यहां जाता हूं पिवट टेबल में, यहां पे पिवट चार्ट, और हम एक चार्ट डिजाइन यहां पे ऐड करते हैं, चैट ऐड ऐड कर दिए, और इसकी हमने डिजाइन यहां से चेंज कर दी, मान लीजिए स्टॉप करते हैं। अब इसका कोड क्या जनरेट होता है एक बार हम देखते हैं नीचे, वही है सेम चीज है, ठीक है। तो ये सोर्स है हमारा, इस सोर्स हमें नहीं देना होगा क्योंकि हमें सोर्स पता नहीं, बस A3 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक्टिव शीट डॉट ऐड हुआ। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको चार्ट वन आ रहा है, ठीक जी है, तो चार्ट वन ही डिक्लेयर होता है यहाँ पे 13 हुआ सिलेक्ट मूव जैन, यहाँ पे जैन की जगह पे नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे सीट फोर हटा दीजिए, यहाँ पे सीट फोर की जगह पे हम यहाँ सीट का नेम तो पता चल गया ना, एस एन है, एस एन नहीं, रिनेम तो ऑलरेडी हो, हमने ऊपर रिनेम तो कर चुके हैं, तो यहाँ पे रिनेम करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट मूव देखना है। यहाँ पे डिलीट किया हमने, यहाँ पे किया एस एन को मूव करो, और फिर उसको हमने सेव किया। सेव करते समय यहाँ जो हमने बाकी सब तो ठीक है, बट नाम हमें ऑटोमेट करना पड़ेगा, एन परसेंट जैन के जगह पे सीट की वैल्यू एन परसेंट, और यहाँ ये दे दिया। बाकी फाइल फॉर्मेट वगैरह डालना है तो डालिए, अगर भाई डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक्टिव विंडो डॉट, एक मिनट, एक्टिव विंडो डॉट क्लोज है, इसकी जगह पे हमें एक्टिव विंडो भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्टिव एक्टिव वर्कबुक
वर्क स्कोप डॉट क्लोज और यहाँ इक्वल टू ट्रू कर दें ताकि वो सेव हो जाएगा। डेटा सेव, ठीक है सर जी। और उसके बाद यहाँ पे हम लूप को नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम। ओके, तो हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं। मुझे लग रहा है इसमें एक दो एरर होंगे, बट हम उसको देख लेंगे, कोई बात नहीं। इसको डिलीट करते हैं। चलिए अब इसमें हम आते हैं डेवलपर में, डेटा में, माइक्रो वन एंड रन। बोला था ना एरर आएगा, सब्सक्रिप्शंस आउट ऑफ द रेंज, यहां पे आया। सर वहां पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है एक्सएलएस के पहले, एक्सएलएस एक्स के पहले क्या नहीं लगा हुआ है? ऊपर में स्टार लगाते हैं ना डॉट से पहले। नहीं नहीं स्टार भी लगेगा इसमें। फाइल नेम जी राय 2020। ओके, जैन नाम का ऑलरेडी फाइल है, समझे? हाँ देखिए 2020 जैन नाम का ऑलरेडी फाइल है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक नाम पे दो फाइल तो नहीं बनाएगा? तो जैन नाम का अगर ऑलरेडी फाइल है तो उसके अंदर ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट कर देंगे तो हो जाएगा, तो फिर फाइल सेव नहीं करेगा ना, सेव ही नहीं करेगा। उसकी ऊपर आउट ऑफ द रेंज फिर आया। एक क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक पहले ही तो रुका हुआ है डॉट वैल्यू एंड यहाँ तो इसने बुक थ्री में अलग कर रखा है, बस उसको सेव नहीं कर पा रहा है। सर वो एक्टिव वर्कबुक की जगह पे आप एक्टिव वर्कबुक ही होगा ये, और कुछ एक्सेसिबल आउट ऑफ द रेंज मतलब बता रहा है कि यहाँ ए वैल्यू नहीं ले रहा पा रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे एफ एन इक्वल टू देता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ एफ एन, आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, ये भी दिक्कत है सर, एस एन एम्प्टी है, सेल वन डेटा शीट पे ओ क्या दिक्कत है बताइए, मुझे पता चल गया दिक्कत क्या है, आप बताइए क्या दिक्कत है। सर एफ एन जो आपने किया है नहीं उसकी प्रॉब्लम नहीं है, सेल टू होगा आई थिंक। नहीं बताइए आप लोग, मोबिन जी आप बताइए। सोच रहा हूँ क्या है, तो शीट में डेटा नाम जो आपने डाला है। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, जब हमारी वर्कबुक जब हमारा माइक्रो चला था तो हमारी ए वाली अप्रैल नाम का फाइल एक्टिव था, इसमें डेटा शीट अवेलेबल है। जब हमने यहाँ पे मूव किया तो हमारी एक नई फाइल खुल के आई जो कि हमारा बुक थ्री है। करेक्ट, अब बुक थ्री के अंदर डेटा नाम का शीट नहीं है, तो हमने यहाँ पे कोड क्या लिखा, शीट डेटा। इसका मतलब समझे जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बुक थ्री है जो अभी ओपन हुई है उसमें डेटा नाम का सीट खोल रहा है, क्योंकि इसके आगे हमने वर्कबुक डिफाइन नहीं किया हुआ है ना। इसके आगे मुझे वर्कबुक यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि वर्क बुक और यहाँ पे अप्रैल डॉट एक्सएलएस एम बगर डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर हम एक काम करेंगे कि जो हम यहाँ पे जो डिक्लेरेशन किया है इस डिक्लेरेशन को हम कट करें और ऊपर स्टार्टिंग में डाल देते जहां हमने फाइल का इन किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी एसएन, हाँ एसएन की जगह पे यहाँ पे मैं एसएन लेता हूँ। यस सर, ऑलरेडी डिफाइन है ना हमारा एसएन,
जैन ही चाहिए ना, मैं जैन तो ऑलरेडी स्टोर है ना यहाँ पे। करेक्ट सर। चलिए, और यहां भी जाया है, मैं यहां भी एसएन ले सकता हूं। ओके, वेरिएबल हम अप्लाई इसलिए करते हैं, तो जहां जहां हमने ऑफसेट का इस्तेमाल किया हुआ है उसके जगह पे हम एसएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सॉरी ब्रैकेट, ठीक है। चलिए अभी रन करता हूं मैं, प्ले कर यहाँ पे एक मिनट एक्टिव कर देता हूँ, क्योंकि मैं बीच में से ड्रॉप कर दिया है ना। अब यहाँ पे कन्नौज से वगू सेम नाम अनुवर्स, ये कौन सा है भाई? अप्रैल नाम का ऑलरेडी है, तो ये अप्रैल जो है, जो फाइल जो है ना, एक्टिव फाइल जो है उसी में है सर, ऑलरेडी फाइल है, तो मुझे उस फाइल का रिनेम करना होगा या किल करना होगा। यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसके साथ मैं आई जोड़ देता हूँ। क्योंकि सेम डेटा फाइल है, इसको हटा नहीं सकता मैं। देखिए यहाँ पे बन रहा है ना सर, सर वो एसएन के आगे आई क्यों लिखा आपने सर जी? तो नाम से चेंज करने के लिए, वो बेसिकली अप्रैल नाम, क्योंकि जिस डेटा पे हम मैक्रो बना रहे हैं उसका नाम भी अप्रैल है, और वो भी उसी लोकेशन में सेव है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते ना। तो इसके कौन, बट मैक्रो के बीच में क्या करें, तो हमने आई जोड़ दिया तो नंबर ऐड कर दिया, ऐसे ही उसको इग्नोर कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। अप्रैल 5 जो ऐड किया वही है क्या, नई न्यू फाइल? जी हाँ जी हाँ। अब मैं अप्रैल 5 को ओपन करता हूँ और इसमें देखता हूँ क्या रिपोर्ट। सही है सुजीत सर? हाँ जी। ये इसमें जो पीवोट के लिए जो कोड लिखा है और चार्ट के लिए जो कोड लिखा है, वो मेथड ऐसे ही सिंटेक्स यही लिखना होगा? देखिए आप टाइप, देखिए आप जब लिखेंगे भी तो इसी तरह से लिखना होगा, बस इसमें क्या है कि कुछ अननेसेसरी चीजें हैं साइंटिफिक जिम्मेदार से आपके जो ऑप्शनल होते हैं। yes. जैसे कि आपका वर्जन हो गया, ये सब आपका ऑप्शनल है, ये मत दीजिए। रिकॉर्डिंगली तो ले लिया है, बट आप मत दीजिए। उसके बाद आपने देखा था कितने लंबे लंबे कोड आ गए थे, हमने उसको डिलीट कर दिया था। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि इसका पूरा पाथ आ गया था, बट हमें पाथ नहीं लेना था, हमने पाथ को डिलीट कर दिया। अब ये जो देख रहा है ना, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टॉप दे रहा है, तो हमने चार्ट को उठा के ऊपर नीचे किया था ना, लोकेशन उसका है, कितना पिक्सल ऊपर नीचे हुआ है, ये आपका स्टाइल चेंज हुआ है कि आपने कौन सा स्टाइल लिया है। तो ये पहला वाला स्टाइल इसने हटा दिया है, उसके जगह पे इसने स्टाइल ये ले लिया है, तो इसको भी आप कोड को रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चार्ट स्टाइल 213 ले लिया, ठीक है। ओके सर, तो एक सिंपल से चार्ट के लिए ये वन लाइन कोड ही ठीक है या फिर ये सब? जैसे कि आपने चार्ट के लिए लाल एक्टिव सेट डॉट एड चार्ट टू, यहाँ पे 201 हो जाता है चार्ट का टाइप, ठीक है ना? टाइप नहीं, माफ कीजिए, मैं यहीं पे 213 डायरेक्ट कर दूंगा, तो मुझे स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। ओके ओके, ठीक है। और कौन सा का चार्ट चाहिए? कॉलम कर्सर चाहिए और डॉट सिलेक्ट, बात कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है। अब मैं इसको एक बार मैं डिलीट करता हूं सबको, और दोबारा से इसको मैं रन करता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से देख ले ना। इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, मार्च को कर दिया, जून को कर दिया, जुलाई, जैन, फेब, दिसंबर, ठीक है सर। स्टार्ट करें, और इस बार मैं आई हटा देता हूँ, इसमें आई जो लगाया था इसको हटा देता हूँ। एक बार फिर से दोबारा हम रन करते हैं।
अच्छा दिस वर्क सेम नेम वही अप्रैल फिर आ गया वापस, मैंने हटा दिया था लेकिन चलो इस बार लगा दिया। ऐसा क्यों करे बाबर अप्रैल नाम की फाइल अप्रैल नाम का है ना सीट, जो जो डेटा सीट है वो अप्रैल ही है ना, बताया तो था आपने मैंने। अच्छा डेटा जो डेटा की अप्रैल नाम अप्रैल है अप्रैल नाम का फाइल बना तो उसी में डेटा डाल दिया था, मैं भूल गया था कि अब मंथ वाइज करूंगा तो भी अप्रैल मंथ होगा ना। ठीक है अब इस पे मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ, मान मैंने जैन को ओपन कर दिया। आ गया सर जी। इस कोड में एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस कोड में ये आपका पिवट टेबल का कोड है, बट पिवट टेबल लगाने से पहले सीट को ऐड जरूर कर लीजिएगा। पिवट टेबल में पिवट टेबल का नेम और ये आपने जहां सेव किया है ये डायनेमिक करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पिवट टेबल का नेम डायनेमिक से बोला क्योंकि जहां भी आपको फील्ड वगैरह के ऊपर नीचे साइड करना पड़ेगा उस वहां पे आपको वो नेम यूज करना पड़ेगा। ठीक है और यहाँ पे जैसे हमने नेम दिया हुआ इस जगह पे मैं एसएन दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने एसएन डिफाइन इसलिए किया था कि मैं जगह जहां भी यूज करना चाहूँ इसका यूज कर सकता हूँ। एसएन नहीं होगा इसमें रेंज ये हुआ ना, सॉरी यहाँ एसएन दे दिया हमने, यहाँ एसएन दे दिया हमने। उसके बाद हमने हम चार्ट लगाना है तो डायरेक्टली कर्सर रख के हम यहाँ डायरेक्टली चार्ट लगा सकते हैं। चार्ट में जो ये 213 है इस चार्ट का डिजाइन टाइप है, जो ऊपर डिजाइन होता है ना चार्ट में, जैसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिजाइन में जाते हैं तो ये जो डिजाइन है ये इसका नंबर कहलाता है 213। ठीक है ना, तो 213 है ना सर, क्योंकि 13 नंबर है 200 से शुरू होता है, ऐसा देखिए 12 है तो 12 पे ये आएगा, 11 पे ये आएगा, तो आप ऐसे नंबर याद रख सकते हैं। उसके बाद चार्ट को मूवमेंट करना है तो माइनस और प्लस में टॉप और लेफ्ट कहलाता है, मतलब कि जहां पर है इससे ऊपर गया तो माइनस में होगा टॉप, माइनस नीचे आऊंगा तो डाउन लेफ्ट साइड का जो होता है उसी का माइनस प्लस में चलता है। इसको तो रिकॉर्डिंग करके एक बार देख भी सकते हैं ना, उसी को देख भी सकते हैं। अच्छा सर बाकी सब कुछ सेम है सर, एक चीज आपसे पूछना था, एक बार आप शीट पे करके बताइए वो एसएन कहां सेलेक्ट किया और ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? क्या शीट आपकी है? हाँ। ये कोड नहीं बोला सर, कोड नहीं, ठीक है कोड करने दीजिए, शीट ओपन कीजिए, शीट को वो एसएन किसको डिनोमिनेट कर रहा है और बाकी जो अपने जो डायनेमिक इसको कर रहा है ना, इसको वन बाय वन कॉलम को कर रहा है ना। अच्छा हमने यहाँ पे कर्सर क्या दिया हुआ सुजी, हमने बोला है कि ये 2 से 13 चले क्योंकि हमारे पास 13 कॉलम है, पहला कॉलम फिक्स है इसे छोड़ दिया, 2 से शुरू किया। अच्छा। 2 से लेके 13 तक चले राइट। अच्छा। और हर बार में हर कॉलम का हेडिंग ले, उसी नाम का सीट ऐड करें, उसी नाम का पिवट बनाए, उसी नाम का उसी उसी को इसमें रखें क्या बोलते हैं फील्ड में रखें, उसी का टोटल निकाले, उसी का फाइल बनाए। तीसरे हमने इसका यहाँ पे स्टोर करवा दिया ताकि मुझे अगर नहीं स्टोर करवाऊंगा तो ये पूरा का पूरा हर जगह पे यूज करना पड़ेगा, यहाँ भी यूज करना पड़ेगा तो लंबा हो जाएगा कोड, इसलिए कोड लंबा ना हो इसलिए मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया। बाकी आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करें, एक डेटा ले और खुद से इस तरह पेपर पे बनाने की कोशिश करें, फिर हम इससे आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे। सर टच फाइनल टच क्वेश्चन है एक। हाँ पूछिए। ये जो 4i जो दिए हैं वहाँ पे वो अगर मेरा ये जो अनडिफाइंड रहेगा, मान लो कोई भी डेटा रहेगा तो उसको मैं मतलब ऑटोमेटिकली ले जाए 4 each और क्या कोड लगाएंगे 4 each टिल एंड। अनडिफाइंड का मतलब समझा नहीं मैंने। सपोज मुझे कोई डेटा हो नॉट मंथ, मंथ नहीं कोई डेटा हो ऊपर का हेडिंग हो, अगर वो मान लीजिए 13 से 30 तक चला गया तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के लिए कौन सा कोड होगा 4 each लेफ्ट। आपको मैंने सेक्शन में सिखाया था ना कि सबसे लास्ट में जाएगा जी 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 और यहाँ से वापस आएगा लेफ्ट की तरफ। अच्छा कॉलम ले लेगा इसका जी 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 xfd रेंज xfd1 डॉट एंड xls लेफ्ट डॉट कॉलम। नो नो आई का जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं। हाँ वो आई की बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर कॉलम नंबर आ जाएगा ना यहाँ पे। ओके या फिर आप काउंट ए का फॉर्मूला लगा के इसको काउंट करवा लीजिए, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए रेंज 1 बाय 1